Hello students, welcome to Basics to Advanced channel, myself Ritesh Tiwari. Today I have taken some special topic that is best motivational speech. आप कभी भी depressed हो जाओ, कभी tension में आ जाओ, कभी आपके life में problems रहे, तो हार मत मानो. आप ये video सुन लीजिए, आपको हिम्मत ताकत दोनों मिल जाएगी, hope मिल जाएगा. ठीक है, तो positive energy के साथ let's start with the video, okay? सफल होने के लिए ये मायने नहीं रखता आपने कितना किया, किंतु ये मायने रखता है कि आप कितना कर सकते थे. इसी कहावत के ऊपर एक कहानी है. जब श्री राम जी पुल का निर्माण करवा रहे थे वानर सेना के साथ, तब वानरों के साथ गिलहरियां भी लगी हुई थी. तभी एक वानर गिलहरी को भगाते हुए बोलता है कि जाओ जाओ, तुम इतनी छोटी सी गिलहरी हो, कैसे काम कर सकती हो? क्योंकि वानर सेना तो बड़े बड़े पत्थर उठा रही थी, नहीं गिलहरियाँ छोटे छोटे कंकड़ उठा रही थी. इस बात पे वानर सेना ने घमंड करते हुए बोला, एक वानर ने उनको भगाते हुए बोला कि आप छोटी सी गिलहरी हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से चले जाओ. तब गिलहरी निराश होकर के भगवान श्री राम जी के पास जाती है. भगवान श्री राम जी उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए, प्यार से हाथ फेरते हैं. उस हाथ फेरने की वजह से अभी जो गिलहरियों के पीठ पर आप धारी देखते हैं वो उसी का निशान है. भगवान श्री राम जी गिलहरी वानर को बुलाते हुए बोलते हैं, हे वानर, तुम तो तुम्हारे बड़े शरीर की वजह से पत्थर उठा ले रहे हो, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, लेकिन ये छोटी सी गिलहरी अपने अपने आकार का ना सोच करके अपनी हिम्मत के हिसाब से वो पत्थर उठा रही है. तो किसी भी इंसान को छोटा ना समझो, बड़ा हो या छोटा, सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं. तो इस कहावत में अपने को समझ में आया कि छोटा से छोटा इंसान भी बड़े से बड़े काम कर सकता है. जब गिलहरी जो है राम जी को पुल बनाने में मदद कर सकती है, तो हम इंसान अपने आप को छोटा क्यों समझें? जैसे कि आप ये मत सोचो आप 8 घंटे मेहनत किए, आप ये सोचो कि आप कितना मेहनत कर सकते थे. क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि आपने इतना मेहनत किया तो आप आगे मेहनत करने की हिम्मत नहीं करोगे. तो आप ये मत सोचिए कि आपने कितना मेहनत कर चुके, आप और कितना मेहनत कर सकते हो वो सोचो. आप ये सोचो कि मैंने जितना टाइम दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिया है कि नहीं. क्योंकि सपने देखने के लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपना पूरी करने के लिए हमको पूरा दिन भी कम पड़ सकता है. अगर आप पर जिम्मेदारी है तो यकीन मानो आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि जिम्मेदारी जो है रात की नींद हराम कर देती है. क्योंकि रात को जागने वाला हर लड़का आसिक नहीं होता. सफलता के राह पर अगर ठोकर लगना भी जरूरी है, अगर ठोकर लगकर भी राहगीर न सीखे तो वह राहगीर का नसीब. ठोकर लगने के बाद भी हमें सीखना चाहिए, ठोकर लगकर हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए. और ठोकरों से कभी घबराना नहीं चाहिए, असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए. इसके लिए एक कोकोकोला, इसके लिए कहानी है, कहानी मतलब असलियत है. कोकोकोला की कंपनी जब शुरू हुई थी, उस समय शुरुआत के समय पहले एक साल में कोकोकोला की 30 बॉटलें भी नहीं बिकी गई थी, लेकिन इस पर कंपनी कभी हराश नहीं हुई, निराश नहीं हुई. कंपनी हमेशा कंटिन्यू मेहनत करती गई, हार्डवर्क करती गई, और अब देखो पूरी दुनिया में कोकोकोला कंपनी का नाम है. अरे ये तो कुछ नहीं, कोकोकोला कंपनी ने फिजिक्स ही पूरा चेंज कर दिया, फिजिक्स का रूल्स ही पूरा चेंज कर दिया है. क्योंकि अब सबके मुंह पर है कोकोकोला ठंडा मतलब कोकोकोला. अरे वास्तव में तो ठंडा मतलब जहाँ जिस जगह का टेम्परेचर कम हो वो ठंडा होता है, लेकिन कोकोकोला कंपनी का इतना नाम हो गया कि सबके जबान पर है ठंडा मतलब कोकोकोला. इससे हम बोल सकते हैं कि सफलता कदम कभी चूमेगी जब आप असफलता से हार नहीं मानोगे. तो हमको असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए. कोकोकोला कंपनी की तरह हम कभी ना कहीं हम कभी ना कभी सफल जरूर होंगे. परेशानियों से कभी घबराए नहीं, क्योंकि परेशानी के बाद ही सफलता मिलती है. क्योंकि परेशानी आने पर ही हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपना रास्ता चुनते हैं. जैसे छाँव आते ही हमारे कदम रुक जाते हैं, धूप में हम कभी रुकते नहीं. जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपको किताबों यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा. खाली पेट और खाली जेब भी सिखाती हैं जो आपको टीचर नहीं सिखाएगा.
कहते हैं ना, जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेबों में, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिरने लग गए। जीवन में इतनी तकलीफ आ गई है कि जब तकलीफ नहीं है तो भी मैं तकलीफ में रहता हूँ कि तकलीफ क्यों नहीं है। इसलिए तकलीफ से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी ने ऐसे मुकाम पर आकर छोड़ा है, पसंद तो सब कुछ है लेकिन चाहिए कुछ नहीं। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा कहता है जब तुम कुछ करोगे तब हम आएंगे, लेकिन लोग यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। पैसा बेशक भगवान नहीं है, वो हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन पैसा अगर आपके पास है तो वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे से बड़े काम हम कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा तुम्हें समय देगा। वक्त ना लगाइएगा कि वक्त का क्या करना है, नहीं तो वक्त निर्धारित कर देगी कि आपका क्या करना है। जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत खराब चीज है, क्योंकि अहंकार में इंसान नहीं दिखता। छत पर चढ़ जाओ तो मकान नहीं दिखता। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, लेकिन एक और मंजिल बनी, छत फर्श बन गया और छत का अहंकार टूट गया। जिस दिन आपको लगेगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, आप बहुत अमीर हो चुके हैं, उस समय आप शमशान भूमि चले जाइएगा। सबका अहंकार, सबका वहम राग बनकर पड़ा हुआ है। दुनिया में किसी से जलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माचिस दूसरों को जलाने के साथ खुद भी जलने लगती है। इसलिए दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, आप शांत रहिए, वक्त जरूर उसे कभी ना कभी सिखा देगा, कभी सीख देगा। मैं आखिरी लाइन में यह कहना चाहता हूं, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, दम है तो मिटा के दिखा। इस वीडियो में आपको एक हिम्मत मिलेगी परेशानी से लड़ने की, जिससे आप कोई परेशानी, ज़्यादा ज़्यादा परेशानी होगी उससे भी आप लड़ सकेंगे। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी निराश हो उनको कम से कम हिम्मत मिले लड़ने की, क्योंकि परेशानी का कुछ नहीं। परेशानी एक आएगी, चली जाएगी तो दूसरी आएगी। परेशानी थमने का नाम नहीं है। हमको परेशानी आई है तो कैसे भी करके परेशानी से लड़ें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परेशानी आगे बढ़ने का एक पहला सीढ़ी है, पहला चरण है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। और कोई भी दूसरी चीज़ों के बारे में आपको जानना हो या किसी दूसरी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।